अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। चलें आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्री क्लास कल हमने रीडिंग की थी नमाज और तरीका नमाज, कि नमाज क्या है और नमाज का तरीका क्या है और आदाब नमाज, इन टॉपिक्स पे रीडिंग की थी हमने। आज इसके मुश्किल सवालात हल करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। दर्ज ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। नमाज क्या है? नमाज की मुसलमानों के लिए क्या अहमियत है? नमाज हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन तोहफा है। नमाज बंदे का अल्लाह से राब्ते का जरिया है। सेकंड क्वेश्चन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में जो फरमाया है उनमें से तीन बातें लिखें। जिसने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह ताला के जिम्मा हिफाजत में है। बंदा सजदे की हालत में अल्लाह ताला के करीब होता है, इसलिए सजदा तवील करो और सजदे में दुआ करो। ये हमने रीडिंग में कल पॉइंट्स पढ़े थे कि सुबह की नमाज जो है वो जो बंदा अदा करता है उसके सारे दिन की यानी उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। और बंदा जब सजदे की हालत में होता है, ये मैंने रीडिंग में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि बंदा जब सजदे की हालत में होता है तो वो अल्लाह ताला के ज्यादा करीब होता है, इसलिए हमें सजदा लंबा करना चाहिए और सजदे में दुआ करनी चाहिए। सजदे में की हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। सवाल नंबर तीन, क्या आपकी नमाज माफ है अगर आप साहिल समंदर पर पिकनिक मना रहे हैं या खेल कूद में लगे हैं? नमाज तो बेटा किसी सूरत भी माफ नहीं है ना। नमाज बगैर किसी भी शरई उजर के, अगर आपको चोट लगी है, चोट में पानी जाने का खतरा है, वजू नहीं आप कर सकते, तो भी आप लोगों को नमाज माफ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? जी नहीं। नमाज पढ़ने के आदाब बताइए। नमाज पढ़ने के लिए आपका साफ और बावजू होना जरूरी है। नमाज पढ़ते हुए आपका रुख किबला की जानिब होना चाहिए। किबला कहते हैं खाना काबा को। तो नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले पहली जो शर्त है, पहला अदाब में नंबर वन पे पॉइंट आता है, वो साफ सुथरा होना और बावजू होना है। उसके बाद किबला रुख खड़े होना है, आपका रुख किबले की जानिब होना चाहिए, खाना काबा की तरफ होना चाहिए, तो फिर नमाज शुरू करनी है। अगला है, दर्ज है जुमलों के सामने सही और गलत के निशान लगाइए। नंबर एक, नमाज आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान से पढ़नी चाहिए। तो ये दुरुस्त है क्योंकि नमाज तेज 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 और जल्दी में नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज ठहर ठहर के इत्मीनान से पढ़नी चाहिए। नंबर दो, नमाज में इधर उधर देखना चाहिए। नमाज पढ़ते हुए इधर उधर नहीं देखना चाहिए बल्कि सजदे वाली जगह पे, जिस जगह आपने सजदा करना है आपकी नजरें वहां होनी चाहिए, इसलिए ये क्रॉस है, गलत है। नमाज के दौरान खाना पीना चाहिए। नमाज के दौरान तो नहीं ना हम खा सकते, इसलिए ये गलत है। नमाज में नजरें नीची रखनी चाहिए। वही बात जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताई है कि नमाज में नजरें आपकी किधर होनी चाहिए? सजदागाह की तरफ, जिस जगह आपने सजदा करना है। तो सजदागाह नीचे जमीन की तरफ है ना, जमीन पे आप लोग सजदा करते हैं, इसलिए ये टिक है कि नजरें नीची रखनी चाहिए। नमाज के लिए पाक साफ कपड़े पहनने चाहिए, ये दुरुस्त है, सही है। नमाज बहुत जल्दी पढ़नी चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट, नमाज आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान से पढ़नी चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है। नमाज जल्दी नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज में जल्दी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट है, नमाज वक्त पर अदा करनी चाहिए, ये सही है कि नमाज अपने सही टाइम पे अदा करनी चाहिए, नमाज पढ़ने में देर नहीं करनी चाहिए कि टाइम गुजर जाए। अगला सफा है, सफा नंबर 24। नमाज पढ़ने का एक खास तरीका है जो आपको सिखाया जा चुका है रीडिंग में, जैसे आपको नमाज पढ़ने का तरीका सारा बताया हुआ है कि किस तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए। दरअसल जुमलों में नमाज की तरतीब गलत लिखी गई है। नीचे दी गई खाली सतूर पर इनको दुरुस्त तरतीब से लिखें, कि हिस्सा अव्वल में इनकी तरतीब गलत लिखी हुई है, इसको तरतीब से लिखना है। क्याम के बाद रुकू में जाएं और घुटनों पर हाथ रखें। सबसे पहले क्याम के लिए सीधे खड़े हो जाएं, कानों तक हाथ ले जाकर नमाज की नियत करें,
अत्तहियात के बाद दुरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेर लेते हैं। अत्तहियात से पहले सजदे में जाते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्याम के लिए सीधे खड़े हो जाएं। इस तरह आपने ये पांचों पॉइंट नीचे तरतीब से लिखने हैं। सबसे पहले क्याम के लिए सीधे खड़े हो जाएं। दूसरे नंबर पे आता है कानों तक हाथ ले जाकर नमाज की नियत करें। फिर क्याम के बाद रुकू में जाएं और घुटनों पर हाथ रखें। अत्तहियात से पहले सजदे में जाते हैं। अत्तहियात के बाद दुरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेर लेते हैं। ये इसकी दुरुस्त तरतीब है। अगला है जुमले मुकम्मल कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की उसने डैश किया। उसने कितनी देर क्याम किया? आधी रात क्याम किया। जिसने फजर की नमाज बाजमात अदा की गोया उसने डैश क्याम किया, उसने पूरी रात क्याम किया। जिसने सुबह की नमाज अदा की वो डैश है, अल्लाह के जिम्मा है, यानी अल्लाह की हिफाजत में है। बंदा डैश की हालत में अल्लाह ताला से बहुत करीब होता है। ये हम लोग क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, बंदा सजदे की हालत में अल्लाह ताला से बहुत करीब होता है। अजान और डैश के दौरान की गई दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। अजान और इकामत के दौरान की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये आज का हमारा लेसन था, जो एक्सरसाइज हम लोगों ने की, पेज नंबर 23 एंड 24, इन दोनों की, पेज नंबर सफा नंबर 23 और 24 की जो एक्सरसाइज थी वो हमने सॉल्व की है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आपने रीडिंग भी की थी इसलिए आपको इसको सॉल्व करने में, इसको हल करने में और ज्यादा आसानी हुई होगी। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।